नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। देश में उस वक्त एक सबसे कह सकते हैं दुखद न्यूज उस वक्त सामने आई जब बिहार के डिप्टी सीएम का निधन हो गया, सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, जिसके बाद मानो सभी राजनीतिक पार्टियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के संकट मोचन कहे जाते थे सुशील कुमार मोदी, और जब उनके निधन की खबर सामने आई तो बीजेपी के पूरे पार्टी में जो है शोक की लहर चली दौड़ पड़ी। चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, चाहे देश की कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सभी लोग जो है सुशील मोदी को जानते थे, क्योंकि बिहार के संकट मोचन कहे जाते थे सुशील मोदी। और ये भी कहा जाता था जब भी भाजपा परेशानी में होती थी बिहार के अंदर, तो वो भाजपा को परेशानी से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना लेते थे। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक को बड़ी ही शालीनता से वो घेरते थे। नीतीश कुमार से उनकी दोस्ती भी खूब चर्चा में थी। यही कारण है कि उनके निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने शोक संदेश जारी किया तो तेजस्वी और लालू ने भी शोक जताया। सुशील मोदी पिछले 6 महीनों से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, उनका एम्स में इलाज चल रहा था। इसी साल सुशील मोदी का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल समाप्त हुआ था। दोबारा राज्यसभा के लिए भाजपा की तरफ से उम्मीदवार न बनाए जाने पर सुशील मोदी ने कहा था, बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर डॉक्टर भीमराव और डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता को हार्दिक बधाई। देश में ऐसे कुछ ही पार्टी कार्यकर्ता होंगे जिन्हें पिछले 33 वर्षों में चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मैं हमेशा पार्टी का आभारी रहूंगा और पहले ही की तरह इसके लिए काम करता रहूंगा। इससे पता चलता है कि सुशील मोदी का भाजपा से जुड़ाव किसी पद के लिए नहीं था। सुशील मोदी की शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने दोबारा जब भाजपा का साथ छोड़ा तो अक्सर कहते थे कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम भाजपा बनाई होती तो छोड़कर जाने की नौबत नहीं होती। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में काफ़ी समय तक सरकार में रही और लालू को सत्ता से दूर रखा। अपने 3 दशकों से अधिक की राजनीतिक करियर के दौरान सुशील कुमार मोदी ने विधायक, MLC, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सहित 4 सदनों के सदस्य रहने वाले बिहार के चंद नेताओं में से एक थे। बीजेपी से हमारे साथ नवल यादव जी जुड़ चुके हैं। नवल यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बाय स्कोप में। नवल यादव जी, कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए है सुशील मोदी का जाना? बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है, एक राजनीति सुन्नता है बिहार के राजनीति में, एक राजनीति सुन्नता है। इतना निर्भीक नेता, इतना सारे लोगों को जोड़ के जनमानस को साथ ले चलने वाला नेता की सुनता है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अच्छा, एक चीज और भी है, उनको बीजेपी का संकट मोचन कहा जाता था बिहार का, और कहते हैं कि अगर कभी भी बीजेपी कोई परेशानी में होती थी तो वो जरूर रास्ता निकाल लेते थे। निश्चित रूप से वो जीते थे जनता के लिए, सोते थे जनता के लिए और अपने प्राण की आहुति भी इस आकस्मिक निधन में ने उनका लिया। यह भरपाई नहीं किया जा सकता है, बिहार के लिए एक शून्यता की स्थिति आ गई है, उनके आत्मा को शांति मिले। अच्छा, एक चीज और भी है, तो आपको क्या लग रहा है कि अब तो एक सबसे बड़े संकट मोचन अब हमारे और आपके बीच में नहीं रहे। उनकी एक सबसे बड़ी थी कि शालीनता के सभी कायल थे, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो और सत्ता पक्ष तो था ही। वो शालीन भी थे और राजनीति में निर्भीक भी थे, उनसे ज्यादा बिहार में कोई निर्भीक व्यक्तित्व तो नहीं है। वो निर्भीक भी थे और शालीन भी थे। शालीनता हो और निर्भीकता हो या लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है, और वो एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन थे। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान जो है मौजूदा डिप्टी सीएम भी पहुँचे हुए थे और भी कई बड़े नेता जो है वो पहुँचे हुए थे सुशील कुमार मोदी के घर पर।
उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए उन्हें